And the main objective of this drive is to save the environment and also keep away the harmful effects from the environment. Now I would like to invite Mr. Suresh Kapoor to give us orientation about this e-waste. Serious concern nowadays. Now we are in the era where we are using waste, we are using consumer goods and electronic goods. Nowadays a very rush. Nowadays due to this very high, heavy amount of waste is generated in our homes, in our colleges, in our institutes, every day. For this I like to take that this is mouth. हमें इसको कैसे इसको हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, कैसे हमें अपना जो बाकी वेस्ट है जैसे मानो अपना यूपीएस है, सीपीयू है, एक्चुअली जब ये हमारे लिए ऑब्सलीट हो जाता है, जब हमारे लिए घर पे इसकी कोई यूज़ नहीं है तो हमारे लिए ऑब्सलीट है, मतलब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो ये किसी भी कोने में पड़ा रहे तो तब वो हार्मफुल नहीं है। जब ये किसी एनवायरमेंट के टच में आता है या एनवायरमेंट के प्रेजेंस में आता है तो ये काफ़ी हार्मफुल रहता है हमारे लिए। तो इसके लिए हमारे को ये बेटर ऑप्शन है कि हम इसको एक जैसे हमने इससे वाइल्ड वर्किंग हमने इससे प्यार किया वैसे इसका हमें जब ये इसकी लाइफ खत्म होगी तो इसको एक सही दिशा में इसको दे दिया जाए ताकि इसकी जो अंतिम यात्रा हो अच्छी हो, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें आपका ये कंसर्न है कि एक्चुअली ई वेस्ट होता क्या है, इसका डिस्पोजल कैसे होना चाहिए, तो आपका ये मोटिव है हमारा हमें इसको प्रॉपर चैनल से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए देन इसको रिसाइकिल करना चाहिए ताकि ये मेन स्ट्रीम में वापस आ सके। एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्टिव कि हमें सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो करना है। अगर एक चैनल से फॉर एग्जांपल एक एचसीएल आपका एक लैपटॉप बना रहा है कोई भी तो वापस वो एचसीएल के पास ही जाइए किसी ब्रांड के पास ताकि वो हम रीयूज कर सके, क्योंकि इन नाउ डेज इंडिया में इंडिया इज द लार्जेस्ट थर्ड प्रोड्यूसर ऑफ द ई वेस्ट इन वर्ल्ड, तो जिसमें से खाली 25% रिसाइकिल हो रहा है बाकी इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जो हमारे लोकल कबाड़ी वाला होते हैं, तो जो चीज़ नहीं जानी चाहिए, जो ये आजकल का जो कल्चर है वो नॉर्मली चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो उसको हमें और मजबूत करने के लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तो ताकि हमारे घर पे जो ई वेस्ट है या हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जो हम आजकल